एक राजा था जिसका नाम था खान सिंह। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। जो भी उसके दरबार में आता, राजा उससे कहानी सुनाने का आग्रह करता। राजा की कहानी सुनने की आदत के कारण ही प्रजा उसे कहानी सिंह और कहानी खान कहकर पुकारने लगी थी। एक बार राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति सबसे लंबी कहानी सुनाएगा, उसे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन जिसकी कहानी राजा को पसंद नहीं आएगी, उसे 5 कोड़े खाने होंगे। अनेकों लोग राजमहल में आए और अपनी अपनी कहानी सुनाई। कोई कहानी 10 मिनट में ख़त्म हो जाती, तो कोई आधे घंटे में, 1 घंटे में। लेकिन राजा ने किसी को भी इनाम नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हारी कहानी तो बहुत छोटी है। उन सभी को 5 कोड़ों की सजा भी भुगतनी पड़ी। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और कहने लगा कि मैं भी अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। सब ने समझाया कि तुम क्यों राजा की सजा खाना चाहते हो, परंतु वह नहीं माना। वो भी अपनी कहानी सुनाने लगा। वह बोला, एक दिन एक कबूतर अपना घोंसला बनाने के लिए पार्क के कोने में तिनके चुन रहा था। तभी उसने देखा कि एक स्थान पर बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं। वह भी वहाँ दाना चुगने पहुँच गया। जब वह दाना चुगने लगा, तभी कुछ ही देर में वहाँ दूसरा कबूतर आ पहुँचा। दोनों कबूतर बहुत देर तक दाना चुगते रहे। धीरे धीरे एक एक करके अनेकों कबूतर वहाँ आ गए। वे सब मिलकर दाना चुगने लगे। काफ़ी देर तक जब दाना चुगते रहे, तो उनके मन में ये डर समाने लगा कि कहीं किसी ने हमें जाल में फंसाने के लिए दाना तो नहीं डाला है। इतनी देर में कुछ पत्तों की सरसराहट हुई। सारे कबूतर आहट पाते ही उड़ गए। राजा ने पूछा, अच्छा, कबूतर बिना दाना खाए ही उड़ गए क्या? किसान बोला, नहीं महाराज, वो तो पक्षी थे। कुछ ही मिनटों में वहाँ पहले एक कबूतर आया, फिर दूसरा कबूतर आया, फिर तीसरा कबूतर आया। वे सब दाना खाने लगे। एक कबूतर जो पहले आया था, वह दाना खाकर उड़ गया। लेकिन वहाँ दाना देखकर एक एक करके कबूतर आते रहे। कभी एक उड़ जाता, कभी दूसरा उड़ जाता। राजा कहानी सुनते सुनते परेशान होने लगा। वह बोला, अच्छा, अब आगे बताओ, कहानी में आगे क्या हुआ? किसान हंसते हुए बोला, हाँ महाराज, वही बता रहा हूँ। इतनी में जोर के धमाके की आवाज़ हुई, फिर सारे कबूतर उड़ गए। क्या आप जानते हैं किस चीज़ की आवाज़ हुई होगी? राजा जल्दी से कहानी को आगे बढ़ाना चाहता था। वह बोला, शायद कोई पटाखा छूटा होगा। नहीं महाराज, वह आवाज़ गांव के 2 लोगों के पास आने के कारण हुई थी। उनमें से एक व्यक्ति को जोर की छींक आ गई थी। उसी आवाज़ से सारे कबूतर उड़ गए थे। राजा अपनी झल्लाहट को दबाते हुए बोला, अच्छा, आगे बढ़ो, फिर क्या हुआ? दाना भी तो खत्म हो गया होगा। किसान बोला, महाराज, दाना तो पूरे मैदान में बिखरा हुआ था। 30-40 कबूतर तो इतना दाना कई दिन तक खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन वो जो 2 आदमी आए थे ना, वो अपने साथ 1 डिब्बे में मक्का और 1 डिब्बे में गेहूं के दाने लेकर आए थे। वे उन दानों को मैदान में डालने आए थे। जब वो दाना डालकर वापस चले गए, सारे कबूतर एक एक करके फिर आने लगे। एक कबूतर आया, फिर दूसरा आया, वो दाने चुगने लगे। फिर राजा का धैर्य समाप्त हो चला था। वो झल्लाते हुए बोला, आगे बढ़ो, कबूतर दाना खा चुके, अब बताओ फिर क्या हुआ? किसान बोला, महाराज, ये कबूतरों की कहानी है। जब तक दाना खत्म नहीं होगा, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? फिर वो कहानी आगे को बढ़ाते हुए फिर बोला, दाने देखकर एक अन्य कबूतर उड़ता हुआ आया। राजा
अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया, बस करो, मुझे ये कहानी नहीं सुननी। ये कबूतर तो कभी खत्म होंगे ही नहीं, फिर तुम्हारी कहानी भी कभी खत्म नहीं होगी। किसान बड़ी नरमी से बोला, जी हुजूर, जब तक कबूतर और दाना खत्म नहीं होगा कहानी भी खत्म नहीं होगी। राजा खान सिंह ने आखिरकार अपनी हार मान ली और उसे इनाम की स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की। किसान अपना इनाम लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। इसके बाद उस राजा ने हरदम कहानी सुनना छोड़ दिया। वाह वाह।